नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीडियो में। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्कूल शिक्षा विभाग DPI हाई कोर्ट में अपनी कैविएट दायर करने वाला है। उसी बीच ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना निकल कर सामने आई है, जिसमें स्पष्ट है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश शासन स्तर से एवं शिक्षक संवर्ग कर्मचारी संवर्ग के स्थानांतरण आदेश संचालन स्तर से जारी किए गए हैं। संबंधित लोक सेवकों द्वारा स्थानांतरण के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के समकक्ष न्यायालयीन बात दायर किए जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए शासन संचालनालय की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय जबलपुर खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर के समक्ष कैविएट दायर की जा रही है। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, यानी कि जो DPI है उसने अपनी कैविएट दायर कर दी है। हालांकि शिक्षकों के विरोध को देखते हुए और उनके दावे आपत्तियों को देखते हुए DPI पहले ही उनकी कार्यमुक्ति को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी कर चुका है। उसके बाद भी ये कैविएट सूचना जारी की गई है ताकि जो भी शिक्षक साथी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुँचें तो विभाग अपना पक्ष रख सके। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और ऐसी जानकारियाँ समय समय पर आप लोगों तक पहुँचती रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।